जब सपने आपको सोने ना दें, जब सपने आपको सोने ना दें, जब मेहनत आपका पैशन बन जाए, जब लगातार काम करने के बाद भी आपको थकावट ना हो, तो ये मान लीजिएगा कि आप इतिहास रचने के बहुत करीब हैं। वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स, विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस से इस दबंग सेशन में हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खास तौर से क्रस्टल फिजिक्स की दृष्टि से बात की जाए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ये साइंस क्लास 10th का भी पार्ट है, इसलिए साइंस के स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। यहाँ हम लोग प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन को पूरी तरह से क्लियर करेंगे और थोड़ा सा आपको बता देते हैं, वांछित वांछित प्रतिरोध की प्राप्ति के लिए ही हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। मतलब प्रतिरोधों का मान जब बढ़ाना होता है या प्रतिरोधों का मान हमें कम चाहिए होता है, तब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। कोई आपसे पूछ ले क्यों करते हैं, तो वांछित प्रतिरोध की प्राप्ति के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, पहला आपका क्या होगा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। आई होप आप लोग पिछले चैप्टर्स के जो वीडियोज हैं, जो फर्स्ट वीडियो डाले हैं, सेकंड वीडियो, आप लोगों ने उनको देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो आप लोग जल्दी से चले जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और फर्स्ट से लेकर के इस चैप्टर के शुरुआत से लेकर पूरे वीडियो देख लें, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप पूरी तरह समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। देखिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, फिगर हमने थोड़ा पहले से ड्रॉ कर लिया है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन तो देख ले, इसमें प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हम यहाँ तीन प्रतिरोधों को जोड़े हैं। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन कितने प्रतिरोध, एक आर वन है, एक आर टू है और एक आर थ्री है। सबसे पहले हम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन की डिफिनीशन को समझेंगे, आखिर वास्तव में श्रेणी क्रम है क्या। ये देखिए, ये प्रथम प्रतिरोध इसको मान सकते हैं, आर टू आपका दूसरा प्रतिरोध है और आर थ्री आपका एक तीसरा प्रतिरोध है। और यदि आप यहाँ देखें कि ये प्रथम प्रतिरोध का प्रथम सिरा होगा और ये दूसरा सिरा होगा, मतलब हर प्रतिरोध में दो सिरे होते हैं, लेफ्ट साइड वाले को प्रथम सिरा बोल रहे हैं और राइट साइड वाले को आपको कौन सा बोलना है, द्वितीय सिरा। इस प्रतिरोध में भी इसका प्रथम सिरा और ये द्वितीय सिरा, तीसरे प्रतिरोध का इधर प्रथम सिरा और इधर आपका द्वितीय सिरा होगा। तो यदि आप अच्छे से देखें कि यदि प्रथम प्रतिरोध, ये देखिए ये प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, जल्दी से देखें, प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा आगे भी इसी प्रकार जोड़कर, इसका मतलब क्या है, देखें कहने का मीन है कि हम दूसरे वाले से जो भी नेक्स्ट वाला आपका प्रतिरोध होगा पहले वाले सिरे को जोड़ेंगे, दूसरे सिरे से पहले को जोड़ते चलेंगे। तो फिर से एक बार समझिए, जब प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा आगे भी इसी प्रकार जोड़कर, प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को तथा अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरों के बीच हम क्या क्या संबंधित कर देते हैं, एक सेल तथा एक कुंजी लगा देते हैं जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो प्रतिरोधों के इस प्रकार संयोजन को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार और सुन क्या लिख लेते हैं और आप लोग समझ लेंगे। आइए जल्दी से लिख लेते हैं, जब, बहुत सिंपल इसकी डिफिनेशन है, जब प्रथम प्रतिरोध, ध्यान रखना है प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को, जब प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से द्वितीय प्रतिरोध द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से प्रथम सिरे से, इसके बाद आपको कॉमा करना है, फिर लिखेंगे द्वितीय प्रतिरोध,
द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को, द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को, द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तृतीय प्रतिरोध के, तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, प्रथम सिरे से तथा आगे भी इसी प्रकार जोड़कर, तथा आगे भी इसी प्रकार जोड़कर, आगे भी इसी प्रकार जोड़कर, आगे भी इसी प्रकार जोड़कर प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे, देखें प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे, तो प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे, प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे वा अंतिम प्रतिरोध, अंतिम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप कई प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, तो अंतिम प्रतिरोध के अंतिम सिरे या द्वितीय सिरे भी आप लिख सकते हैं, अंतिम सिरे का संबंध किससे कर देते हैं, एक सेल, चित्र में देखें आप बीच से, यहां से आकर प्रथम प्रतिरोध के सिरे का संबंध आप और अंतिम वाले के द्वितीय का, प्रथम का और अंतिम के द्वितीय का संबंध एक सेल तथा किससे कर देते हैं, कुंजी, एक सेल तथा कुंजी के से कर देते हैं, ध्यान रखेंगे के से कर देते हैं, कामा लगाएंगे, जिससे क्या होने लगेगी, आप देख पा रहे हो चित्र में परिपथ में, जो ये परिपथ बना है तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, प्रवाहित होने लगती है तो प्रतिरोधों के इस प्रकार संयोजन को क्या कहेंगे, संयोजन को प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम, प्रतिरोधों का ध्यान रखेंगे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। आई होप आपके दिमाग में डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं तो जल्द से जल्द आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम फिर से लौट रहे हैं, देख लें एक बार जल्दी से डिफिनेशन को, प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को, द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को, तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा आगे भी इसी प्रकार जोड़कर, आप तृतीय वाले का जो द्वितीय सिरा होगा चतुर्थ के प्रथम सिरे से, जितने भी आपको से ले मतलब प्रतिरोध लेनी हो उतने आप प्रतिरोध ले सकते हैं, तो जोड़कर प्रथम प्रतिरोध का जो प्रथम सिरा होगा, अंतिम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा कहें या अंतिम सिरे का संबंध एक सेल तथा एक बैटरी से कर देते हैं, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है, यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो यदि परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है तो क्या कहते हैं, आप इसे कह सकते हैं तो प्रतिरोधों के इस प्रकार संयोजन को ही श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आई होप आपके दिमाग में डिफिनीशन फिक्स हो गई होगी, डिफिनीशन याद नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू फिगर आपको समझ के लिखना होगा। अब देखिए इस चित्र की, जो आप प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन का चित्र बनाए हैं यहाँ देख पा रहे होंगे, एकदम यही डायग्राम आपको लिखना है, तो सबसे पहले आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, देखिए माना R1 R2 R3, देख पा रहे होंगे ये तीन प्रतिरोध है, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिस क्रम में जुड़े हैं वही आपको लिखना है, माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3, यहाँ हम तीन प्रतिरोध लेके चल रहे हैं, तो माना तीन प्रतिरोध क्रमशः R1 R2 R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, फिर देखें बिंदु P व S सिरे के मध्य, यहाँ से आप आएंगे
एक सेल ई तथा पूंजी के लगी है, बिंदु पी वाई यस सिरे के मध्य एक सेल ई तथा पूंजी के लगी है, पूंजी के को दबाने पर सेल ई से कैपिटल आई धारा निकलती है, देख पा रहे होंगे सेल ई से कैपिटल आई धारा निकलती है जो तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से होकर प्रवाहित होती है, जो तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से प्रवाहित होती है। फिर आपको क्या लिखना है, माना बिंदु P Q R व S के विभव क्रमशः V1 V2 V3 व V4 है, विभव मानेंगे तो विभवांतर क्या हो जाएगा, तब P Q Q R व R S, देख रहे P Q Q R व R S सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 माइनस V2 V2 माइनस V3 व V3 माइनस V4 होंगे। तो आइए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं, पर एक बार हम रिकॉल करते हैं, जल्दी देखें। माना तीन प्रतिरोध क्रम से R1 R2 R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, माना बिंदु P व S सिरों के मध्य एक सेल ई तथा कुंजी के लगी है, कुंजी के को दबाने पर सेल ई से कैपिटल आई धारा तीर की दिशा में निकलती है जो तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से होकर प्रवाहित होती है, माना बिंदु P Q R व S के विभव क्रमशः V1 V2 V3 व V4 हैं, तब पी क्यू क्यू आर व आर एस सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः कितने होंगे, V1 माइनस V2 V2 माइनस V3 वा V3 माइनस V4 होंगे। आई होप ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, आइए इसकी लैंग्वेज को लिख देते हैं ताकि आप लोग नोट डाउन कर लें। आप लोग जल्दी से देखें, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 परस्पर किस क्रम में जुड़े हैं, परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना है, माना बिंदु P व S सिरों के मध्य एक सेल ई तथा कुंजी के लगी है, एक सेल ई तथा कुंजी के लगी है। अब आप क्या करेंगे, कुंजी के को जैसे ही दबाते हैं तो आपको क्या लिखना होगा कि कुंजी के को दबाने पर जैसे ही कुंजी को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, सेल कैपिटल ई से आई धारा तीर की दिशा में निकलती है, तीर आप चित्र में देख चुके हैं, दिखा भी देंगे एक बार अभी, तीर की दिशा में निकलती है कॉमा जो तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से प्रवाहित होती है। एक चीज और मानना जल्दी से, माना चार बिंदु लिए हैं, बिंदु पी क्यू आर वाई एस, क्या क्या लिए हैं, कॉम पी क्यू आर व एस के विभव क्रमशः, ध्यान रखेंगे पहले आपको विभव मानना है, विभव क्रमशः क्या क्या हो जाएंगे, V1 है कॉमा V2 V3 व V4 है, तब पी क्यू कॉमा करेंगे क्यू आर व आर एस सिरों के बीच आर्य सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः कितने हो जाने वाले हैं, पहले बार मिला था V1 माइनस V2 कॉमा V2 माइनस V3 वा V3 माइनस V4 है, V3 माइनस V4 है। आई होप जो चित्र बनाए हैं उसकी लैंग्वेज आपके दिमाग में फिक्स हो गई होगी। एक बार जल्दी से फिगर से हम समझा देते हैं कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, बिंदु P व S सिरों के मध्य अच्छे से देखेंगे एक सेल ई तथा कुंजी के लगी है, कुंजी के को दबाने पर सेल ई से
कैपिटल आई धारा तीर की दिशा में निकलती है, क्योंकि धारा हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। तो बिंदु कुंजी के को दबाने पर सेल ई से कैपिटल आई धारा निकलती है, जो तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से प्रवाहित होती है। माना बिंदु पी क्यू आर वाई एस की विभव क्रमशः V1, V2, V3 व V4 हैं, तब पी क्यू क्यू आर व आर एस सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? V1 - V2, V2 - V3 व V3 - V4 होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, तो V1 का मान ज्यादा होगा V2 की अपेक्षा, इसलिए V1 में आपको V2 घटाएंगे। ऐसे ही V2 का मान V3 से ज्यादा होगा, पॉजिटिव से जुड़ता जा रहा है तो ज्यादा वाले में हमको घटाएंगे घटा देंगे, तो आपका विभवांतर आ जाएगा। आई होप आपके दिमाग में यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। एक चीज नोट में आपको ध्यान में रखना है, यहाँ हम नोट में लिखे देते हैं। चित साफ साफ स्पष्ट हो चुका है कि तीनों प्रतिरोधों के यदि आप बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन में, तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित धाराएं समान, किंतु तीनों प्रतिरोधों के बीच सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। तो नोट में इसको आप सजा करके अच्छे से लिख सकते हैं। नोट में आप क्या लिख देंगे, इसके जस्ट बाद लिख देंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा कि हम जानते हैं कि क्या आप जानते हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं। हम जानते हैं कि ध्यान रखना होगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित धाराएं एक समान। तीनों प्रतिरोधों से प्रवाहित जो धाराएं हैं, धाराएं एक समान किंतु तीनों प्रतिरोधों के सिरों के मध्य यदि आप देखें विभवांतर अलग अलग होता है। सिरों के मध्य विभवांतर कैसे होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। चित्र में आप लोगों ने देखा भी है कि कैपिटल आई धारा जो है तीनों प्रतिरोधों में समान रूप से होकर प्रवाहित होती है, बट सभी के बीच विभवांतर V1 - V2 PQ सिरों के बीच, मतलब पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच V1 - V2, दूसरे के लिए V2 - V3 और तीसरे के बीच क्या होगा, V3 - V4 है। आई होप आपके दिमाग में यहां तक पूरी बात क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट की। तो देखिए, ध्यान रखना है सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी में गड़बड़ी करते हैं, श्रेणी में समांतर क्रम को कर देते हैं और समांतर में श्रेणी क्रम को कर देते हैं। तो यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना, श्रेणी का मतलब कभी भी जब आप चाहे धारिता का संयोजन कर रही हो, चाहे आप संधारित्रों का कुल मिलाकर संयोजन कर रही हो, चाहे आप प्रतिरोधों का कर रहे हो, चाहे आगे आप सेलों का करेंगे, श्रेणी का मतलब एक लाइन में आपको जोड़ना है प्रतिरोधों को। ये देखिए पहली लाइन है, तो R1 R2 R3 एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स श्रेणी क्रम में जुड़े। दूसरी अहम बात, हमें लॉजिकल स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, जो चीज अलग अलग वही हमें ज्ञात करना है। ध्यान रखेंगे जो चीज अलग अलग है वही हमें ज्ञात करना। तो यहाँ देखें विभवांतर अलग अलग, ये केस विभवांतर अलग अलग, यहाँ पर भी विभवांतर अलग, विभवांतर अलग है, सभी प्रतिरोधों से प्रवाहित धाराएं एक समान है बट विभवांतर अलग है, अतः हमें विभवांतर ही ज्ञात करना होगा। ओम के नियम से यदि विभवांतर ज्ञात करने का सूत्र देखें, तो V प्रोपोर्शनल I और V = RI होता है, या IR आप कह सकते हैं, मतलब विभवांतर इक्वल टू आपका होगा धारा गुणे प्रतिरोध, इसी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो प्रथम प्रतिरोध यहां से स्टार्ट करेंगे, तो प्रथम प्रतिरोध ध्यान रखेंगे, प्रथम प्रतिरोध जो रहेगा R1 के सिरों के बीच विभवांतर, के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। V1 - V2 इक्वल टू पहले विभवांतर IR1, V1 - V2 आपका IR1, आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार आप निकाल लेंगे द्वितीय
प्रतिरोध, द्वितीय प्रतिरोध जो है आर टू के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। आर टू के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा? विभवांतर जो होगा धारा गुणे प्रतिरोध, आपका फार्मूला है। यहाँ पर भी V2 माइनस V3 विभवांतर होगा, धारा सबके लिए सेम है और प्रतिरोध R2 है, चित्र द्वारा आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार ध्यान रखेंगे, इसी प्रकार तृतीय जो प्रतिरोध है, तृतीय प्रतिरोध R3 के सिरों के बीच विभवांतर, R3 के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर यदि निकालेंगे, धारा गुणे प्रतिरोध का फार्मूला रखेंगे, तो V3 माइनस V4 है विभवांतर और IR3 होगा। ये आप लोग देख लें, चित्र से आप लोग एक बार और क्लियर कर लें। ये देखिए, पहले में विभवांतर V1 माइनस V2, धारा सबके लिए आई है और प्रतिरोध R1, V1 माइनस V2 बराबर IR1, V2 माइनस V3 IR2 और V3 माइनस V4 ही आपका कितना होगा? IR3 होगा। आई होप आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आपको क्या करना होगा, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच कुल विभवांतर निकाल लेंगे। क्या करना होगा आपको ध्यान रखना है, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच हम कुल विभवांतर निकालेंगे। तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच हम कुल विभवांतर निकाल लेंगे, ये इक्वेशन आपका 2 रहेगा। अब क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच, तो तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच कुल विभवांतर निकालना है। सिरों के बीच कुल विभवांतर कितना होगा? कुल विभवांतर आपको निकालना है, तो कुल का मतलब आप सभी को जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड में यदि आप समीकरण 1 में देखेंगे तो V1 माइनस V2 प्लस इसका लेफ्ट साइड है V2 माइनस V3, फिर प्लस लगाएं क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं, तीसरे वाले का विभवांतर V3 माइनस V4 है। राइट साइड में राइट साइड को ऐड करेंगे IR1 देख लें, प्लस आपका दूसरे इक्वेशन का है IR2 और तीसरे इक्वेशन का है IR3। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, बल्कि आप यहाँ लिख भी सकते हैं चाहे तो, इस समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 व 3 से हम लोग चल रहे हैं। क्या आपके दिमाग में ये कहानी क्लियर हो गई? तो आप कहेंगे जी। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, V2 से V2 आपका कैंसिल है, V3 से V3 भी आपका कैंसिल है, तो टोटल जो विभवांतर बचेगा वो क्या बचेगा? V1 माइनस V4। और राइट साइड से आप अच्छे से देखें, I कॉमन है, तो I कॉमन के बाद आपका रिमेनिंग जो रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, और इसे आप लोगों को देना है समीकरण नंबर, आपको दे देना है 4। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक क्लियर हो गया है? तो चलिए मूव करते हैं आगे, ये इक्वल है, आप लोगों के दिमाग में आई होप क्लियर हो गया हो, ये विभवांतर निकला। अब देखिए यहाँ से एक लैंग्वेज आपको लिखनी होगी, हम यहाँ तीन प्रतिरोध जोड़े हैं जिनके प्रतिरोध अलग अलग होंगे, क्योंकि R1 R2 R3 मानने का मतलब ही है कि इनकी वैल्यू अलग है। मान लीजिए R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 4 है और R3 की वैल्यू 5 है, तो ये टोटल 12 होगा। कितना होगा? 12 ओम हो जाएगा। यदि हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर 12 ओम का डायरेक्ट, 12 ओम प्रतिरोध का डायरेक्ट एक प्रतिरोध जोड़े, विभवांतर उसका यही रहना चाहिए, प्रवाहित धारा यही हो, तो उस केस में विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध जो होगा, तो यदि तीनों के स्थान पर हम एक बड़ा प्रतिरोध जोड़ दें जिनका जो प्रतिरोध है इन तीनों के योग के बराबर हो, मतलब IR आपका सूत्र हो जाएगा, क्योंकि R1 R2 R3 की जगह में R रखने वाले हैं। तो आपको यहाँ एक लैंग्वेज बड़े स्मार्ट तरीके से लिखनी होगी, यदि तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच, यदि तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच, ध्यान रखेंगे, तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच क्या करना होगा आपको, कैपिटल आर प्रतिरोध वाला, कैपिटल आर प्रतिरोध वाला एक बड़ा प्रतिरोध,
रखना है एक बड़ा प्रतिरोध प्रयुक्त किया जाए, एक बड़ा प्रतिरोध प्रयुक्त किया जाए जिसका विभवांतर, ध्यान रखेंगे विभवांतर सेम लेना है, जिसका विभवांतर कितना होना चाहिए वो V1 - V4 इसी के इक्वल लेना है, V1 - V4 वह प्रवाहित धारा कितना लेना है I, वह प्रवाहित धारा I हो तो, प्रवाहित धारा आई हो तो इस केस में आपका V1 - V4 बराबर जो रिजल्ट आएगा वो IR आ जाएगा, क्योंकि R1 R2 R3 के स्थान पर हम कैपिटल आर प्रतिरोध वाला एक बड़ा प्रतिरोध प्रयुक्त कर रहे हैं, उसके स्थान में उपयोग कर रहे हैं। ये आपका इक्वेशन 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या आपको, आपके दिमाग में यहां तक कहानी क्लियर हो गई है? देखिए एक बार और समझिए, तीनों के स्थान पर कैपिटल आर प्रतिरोध वाला जब आप प्रतिरोध प्रयुक्त करेंगे तो जहां R1 R2 R3 है उसकी जगह में IR लिखना है। अब आप अच्छे से देखें समीकरण 4 और 5, समीकरण 4 और 5 के दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल हैं तो इनके राइट साइड इक्वल होंगे, पर छोटे वाले IR को हम पहले लिखेंगे फिर इसको लिखेंगे। रीजन, मान लीजिए कि भविष्य में आप पापा बन जाते हैं और पापा बनने के बाद आप एक चॉकलेट लाते हैं, दो चॉकलेट आपके घर में बच्चे हैं, एक 10 साल का है और एक 4 साल का है, आप किसे पहले देंगे? तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि पहले छोटे बच्चे को देंगे, क्योंकि जैसे ही यदि आप छोटे बच्चे को नहीं देते हैं तो वो लौट जाएगा और बोलेगा मुझे तो खाना ही नहीं है। तो कुल मिलाकर बड़ा भाई ये मान सकता है कि मेरा छोटा भाई है, लेकिन छोटा भाई नहीं मानेगा कि मेरा बड़ा भाई है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ छोटे पक्ष को पहले लेंगे, आई आर को पहले देंगे, तो आई आर लेंगे और राइट साइड को ले लेते हैं। तो समीकरण 4 और 5 से, आई होप यहाँ तक आप लोग जल्द से जल्द कॉपी कर लिए होंगे, समीकरण 4 व 5। तो समीकरण 4 व 5 से यदि आप चलेंगे तो आपका आ रहा है आई आर इक्वल यहाँ पर I(R1 + R2 + R3। अब आप देखें दोनों साइड से आई आपका कैंसिल हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, और आई से आई कैंसिल। तो अब आपका जो रिजल्ट बचेगा R=R1 + R2 + R3, और इसको आप लोगों को समीकरण नंबर देना होगा 6। क्या आपके दिमाग में यहाँ तक कहानी क्लियर है? आई होप आपके दिमाग में यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई होगी। और यदि आप तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो ये जो आप रिजल्ट देख पा रहे हैं यही आपका व्यंजक होगा। मान लीजिए तीन से ज्यादा जोड़ते हैं, 5 तक जोड़े होते तो R5 तक जाता, और यन प्रतिरोध जोड़ते, यदि ध्यान रखें यहाँ से एक लैंग्वेज लिखेंगे, यदि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन, ध्यान रखना है यदि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में कितने प्रतिरोध जुड़े हों, स्मॉल एन प्रतिरोध जुड़े हों, स्मॉल एन प्रतिरोध जुड़े हों तो, स्मॉल एन प्रतिरोध जुड़े हों तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, आर बराबर जो रिजल्ट होगा R1 सेम आएगा प्लस R2 होगा प्लस R3 होगा प्लस एज सो ऑन डैश डैश करेंगे फिर से प्लस बनाएंगे RN होगा, और यही आपका यदि n प्रतिरोध जुड़े हों तो उसके लिए डेरिवेशन होगा, उसके लिए व्यंजक हो जाएगा समीकरण नंबर 7। देखिए यहाँ आपको एक लैंग्वेज लिखनी होगी, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे हम लोग। क्या लिख सकते हैं आप लोग बताइए, देखिए बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज लिखेंगे, इसको हम फिक्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 6 व 7 ही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र है। कौन कौन से यहाँ पर लिख लेते हैं, समीकरण 6 व 7 ही प्रतिरोधों के, अभी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट बताएंगे आपको, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए सूत्र है, श्रेणी क्रम संयोजन
के लिए सूत्र है, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए फार्मूला है या सूत्र है, क्या आपके दिमाग में ये बात क्लियर है? तो चलिए मूव करेंगे आगे की ओर। एक चीज यहाँ आप और लिखेंगे इसके जस्ट बाद, समीकरण 6 व 7 से स्पष्ट है, पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। समीकरण 6 व 7 से स्पष्ट है कि समीकरण 6 व 7 से स्पष्ट है कि प्रतिरोधों के, ध्यान रखेंगे, प्रतिरोधों के किस क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य या परिणामी प्रतिरोध इसी को कहते हैं, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य यानी परिणामी भी होता है, ब्रैकेट में ध्यान रखेंगे, तुल्य यानी परिणामी भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध उस संयोजन में जुड़े हुए, उस मतलब श्रेणी संयोजन में जितने भी जुड़े हैं, तो उस संयोजन में जुड़े हुए अलग अलग प्रतिरोधों के, अलग अलग प्रतिरोधों के, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। क्या आपके दिमाग में ये क्लियर हो गया है? देखिए एक बार समझ लेते हैं। 6 व 7 से स्पष्ट है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, कौन सा हम पढ़ रहे हैं, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य यानी होगा कुल प्रतिरोध, यदि आप यहाँ देखें तुल्य प्रतिरोध उस संयोजन में जुड़े हुए अलग अलग प्रतिरोधों, 3 जोड़े हुए थे R1 R2 R3, प्रतिरोधों के योग फल के बराबर होता है। अच्छे से देख ले, अलग अलग प्रतिरोध 3 जोड़े थे तो 3 के योग के बराबर होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 जोड़े होते तो आपका रिजल्ट R5 तक जाता, ऐसे ही इसीलिए जब n जोड़ेंगे तो RN तक जाएगा। n का मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर है, नंबर ऑफ प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध आप जोड़ते हैं। मान लीजिए 20 जोड़े तो R20 तक जाएगा, n का मान 20 होगा। 25 जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, जितना भी n का मान होगा उतनी दूरी तक जाएगा। इसका मतलब ये है, एन टर्म्स का मतलब होता है कि जितने आप जोड़ेंगे उतनी दूरी तक आपका ये रिजल्ट जाएगा। एन की जगह में 25 रखेंगे तो 25 तक जोड़ेंगे तो IN बराबर 25 होगा और 25 तक जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा आपके। यहाँ वही चीज लिखी है कि समीकरण 6 व 7 से स्पष्ट है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो है उस संयोजन में जुड़े अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। एक दो बातें आपको जल्दी से और बता देते हैं, नोट जल्दी से नोट कर लें। नोट नंबर आपका जो फर्स्ट है, नोट नंबर आपका जो फर्स्ट रहेगा, जल्दी से देखे, नोट फर्स्ट है, प्रतिरोधों को ध्यान रखना है, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में तब जोड़ते हैं जबकि, ध्यान रखेंगे, परिणामी प्रतिरोध का मान, परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध कह सकते हैं, परिणामी प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है। क्या आपके दिमाग में ये बात क्लियर हुई? देखिए कैसे, जल्दी से देख लें। मान लीजिए R बराबर, हम केवल रिजल्ट R1 प्लस R2 लेते हैं, R1 का मान मान लीजिए 3 ओम, 3 ओम ले लीजिए, R2 का 4 ओम लीजिए, तो 3 ओम और 4 ओम को जब आप ऐड करेंगे तो 7 ओम होगा। देखिए कम लिए थे, 3 और 4 लिए थे, टोटल रिजल्ट बढ़ गया, परिणामी प्रतिरोध बढ़ गया। मतलब तब जोड़ते हैं जब परिणामी प्रतिरोध का मान क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। आई होप आपके दिमाग में ये फिक्स हो गया होगा। एक नोट इंपॉर्टेंट आप और लिखेंगे, ध्यान रखना है, यदि प्रतिरोधों के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यदि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में क्या हो, श्रेणी क्रम संयोजन में समान प्रतिरोध कैपिटल आर वाले प्रतिरोध समान मान रहे हैं, स्मॉल एन प्रतिरोध जुड़े हूँ, स्मॉल एन प्रतिरोध जुड़े हूँ जुड़े हूँ
जो परिणामी प्रतिरोध है, परिणामी या इसी को तुल्य प्रतिरोध, परिणामी या तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा यदि परिणामी या तुल्य प्रतिरोध को हम आर डैश मान लें, कितना मान लें, आर डैश बराबर एन आर होगा, एन आर होगा, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कैसे हुआ अच्छे समझिएगा। मान लीजिए हम समान प्रतिरोध के आर डैश इसका क्या मान रहे हैं, परिणामी प्रतिरोध मान रहे हैं किसी का, और समान प्रतिरोध तीन जोड़ते हैं आर प्लस आर। मान लीजिए तीन प्रतिरोध बिल्कुल श्रेणी क्रम में समान प्रतिरोध वाले जुड़े हैं, तो इस केस में आर प्लस आर प्लस आर थ्री आर होगा। ये आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा, आई होप आप इतना जानते हैं कि आर को तीन बार जोड़ेंगे तीन आर आएगा। मान लीजिए आप 10 टाइम जोड़ते हैं, 10 बार जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सर कितना आएगा, 10 आर आएगा, 15 बार जोड़ेंगे 15 बार आएगा। डैश डैश करके प्लस करके यदि आप इसे एन बार जोड़ते हैं तो एन आर आएगा, 3 बार जोड़े से 3 आर, 10 बार 10 आर, 25 बार जोड़ेंगे 25 बार और एन बार जोड़ेंगे तो एन आर आ जाएगा। और एन आर का मतलब भी है, देखिए अच्छे समझने, आर डैश बराबर एन आर का मतलब है यदि आप n की जगह 20 रखते हैं, मतलब 20 जोड़ते हैं तो 20 आर आ जाए। क्या आपके दिमाग में ये बात क्लियर हुई, n की जगह में नंबर ऑफ रजिस्टर होते हैं, नंबर ऑफ प्रतिरोध होते हैं, जितना रखेंगे आप 40 जोड़ते हैं तो आर डैश बराबर 40 आर आएगा। क्या आपके दिमाग में ये रिजल्ट क्लियर है, आई होप ये रिजल्ट भी आपके दिमाग में क्लियर होगा। तो चलिए इस तरह से ये टॉपिक आपका लास्ट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।